अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माई बैक यूट्यूब चैनल। और आप लोग देख रहे हैं पीएसए व्लॉग। सो गाइज़, आज मैं बहुत ही अहम बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि आप टाइटल और थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम लोग किस मौजू पर वीडियो बना रहे हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को कह दूँ कि हमारा ये जो पीएसए व्लॉग था तो अभी हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया, और साकिब भाई आप लोगों को लास्ट में नाम बता देंगे कि हम लोगों ने क्या नाम रखा। सो गाइज़, ये मतलब हम लोगों ने कुछ रीज़न था हमारा, वो जो मतलब एक छोटा सा कुछ रीज़न था, उस वजह से हम लोगों ने नाम चेंज कर दिए और चेंज करना पड़ा। हम ये जो चैनल का नाम हम लोगों ने नया रखा है, उसका नाम है द ब्लॉक फैक्ट्री, टी वी एफ और इसका फुल फॉर्म है द ब्लॉक फैक्ट्री। सो गाइज़, आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये नाम, और बहुत ही बेहतरीन, हम लोगों को तो बहुत ही बेहतरीन लगा। और ये जो आपका चैनल है, ये आप ही का चैनल है, ये पूरी हमारी फैमिली है जो कि पीएसए व्लॉग की पूरी फैमिली थी, जो कि अब हो गई है द ब्लॉग फैक्ट्री फैमिली। सो गाइज, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को और भी हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्टेंट ला सके आप लोगों के लिए। और रही बात दूसरी के द ब्लॉग फैक्ट्री हम लोगों ने इसलिए रखा नाम कि कुछ रीज़न था पीएसए ब्लॉग हटाने का, तो इस वजह से एक रीज़न था। बट आप ब्लॉग फैक्ट्री, द ब्लॉग फैक्ट्री बोले तो ब्लॉग की फैक्ट्री, मतलब के हमारा चैनल है फैक्ट्री, ब्लॉग का फैक्ट्री। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्लॉग में दरगाह की ब्लॉग भी आते हैं, और कुछ फ़नी ब्लॉग भी आते हैं, और लाइफ स्टाइल जैसे भी आते हैं, और हम लोग कई वगैरह जाते हैं, कोई भी ये जगह एक्सप्लोर करते हैं आप लोगों को, और हिस्ट्रिकल ब्लॉग भी है ये, जैसे कि आप लोगों को हिस्ट्री भी बताते हैं और भी जानकारी देते हैं सूरत के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी। और कुछ दिनों में आपको अहमदाबाद में भी हम लोग नज़र आएंगे, इंशाल्लाह अहमदाबाद में भी नज़र आएंगे, और कुछ उसमें बड़ा धमाका लाएंगे इंशाल्लाह। सो गाइज, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और कल एक ब्लॉग आने वाला है, गोपी तलाव का ब्लॉग, जिसमें कि हमारे फैज़ान भाई भी है, नज़र आएंगे आप लोगों को, और उसमें साकिब भाई नहीं है क्योंकि साकिब भाई का जॉब का इशू था, उस वजह से वो आ नहीं पाए। और एक्चुअल में मेरा संडे का मेरी रजा रहती है, संडे को छुट्टी रहती है, और साकिब भाई की बुधवार को छुट्टी रहती है, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो सरताना नेचुरल पार्क जो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें शेर वगैरह सब देखा होगा आप लोगों ने, तो साकिब भाई ने एक्सप्लोर किया था आप लोगों को, बहुत ही अच्छा एक्सप्लोर किया था भाई ने, और वाकई में बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी वो व्लॉग देख के। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा वो वाला व्लॉग। और आने वाले व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे भाई का व्लॉग आने वाला है, तो वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। हाँ गाइस, आप बेल आइकॉन दबाएंगे ना तो आप लोगों को हमारी जो भी आने वाली वीडियोस है, जो भी ब्लॉग है, आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे क्या होगा कि आप लोग क्लिक करके ना वीडियो पे आ सकते हैं। और रही बात दूसरी के कल के दिन ब्लॉग आने वाला है, कल 12 बजे इंशाल्लाह राइट दोपहर में 12 बजे आ जाएगा। सो गाइज, आप लोग ज़रूर देखना वो वाला ब्लॉग। और अभी हम लोगों ने किम का ब्लॉग भी डाला है, किम का फुल ब्लॉग, जैसे कि हम लोगों ने कव्वाली का भी एक्सप्लोर किया, उसमें कव्वाली भी बताया पूरी तरीके से, और दरगाह की आप लोगों को ज़ियारत भी करवाई है उसमें। और दूसरी बात के जो मेला था वहाँ का, जो कि कई सालों से चला आ रहा है, वहाँ पे मेला आता है, कव्वाली होती है, और बहुत ही धूम मस्ती, और बहुत ही हज़ारों की तादाद में पब्लिक आती है। सो गाइस, आप लोग वो व्लॉग भी ज़रूर देखें, फुल व्लॉग है, क्योंकि बहुत ही मज़ा आया है वो वाले व्लॉग में भी। और हाँ, एक चीज़ के ये नाम आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। और हम लोग अभी इस वक्त शूट कर रहे हैं, अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:20 अभी टाइम हो रहा है, 11:20 या 11:21 समथिंग हो रहा है, तो मैं ये व्लॉग अभी ही डाल दूँगा, अभी ही व्लॉग ये अभी मैं डाल दूँगा इंशाल्लाह, तो फटाफट अभी मुझे एडिट करना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों का नाम कैसा लगा चैनल का, और आप लोग इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा और प्यार देंगे हमें इंशाल्लाह। और अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार एहसान है कि अल्लाह ने हमें मतलब दरगाह बताने के लिए चुना है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें दरगाह बताते हैं हम लोगों, और अल्लाह ने मतलब हमें चुना है बेशक।
तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों को, ये हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने हमें चुन लिया आप लोगों को दरगाह एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी दरगाह की हिस्ट्री बताएं और अच्छी से अच्छी दरगाह की ज़ियारत करवाएं और लाइफ स्टाइल के बारे में भी आप लोगों को बताएं। सो गाइज, मैं यही कहूँगा कि लास्ट में कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल व्लॉग आने वाला है 12 बजे, याद रखिएगा, और कीम वाला व्लॉग भी देख लीजिएगा, और हमारे उसमें फैजान भाई भी आप लोगों को नज़र आएंगे, बट साकिब भाई नज़र नहीं आएंगे, मैंने बहुत ही मिस किया था वहाँ पे, और साकिब भाई की बहुत ही कमी महसूस हुई थी, वो इसलिए कमी महसूस हुई थी कि मुझे इतना काम करना पड़ा था वहाँ पे, मुझे सिनेमेटिक भी मुझे ही लेना पड़ा था, बोलना भी मुझे ही पड़ा था वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत थक गया था मेरे भाई, बहुत थक गया था। गाना वाली वीडियो में मुझे भाई की कमी महसूस हुई थी, और गोपी तलाव वाली में मुझे साकिब भाई की बहुत कमी महसूस हुई थी, और हम हमारे फैजान भाई को बोल रहे थे सिनेमेटिक का, तो वो वेनेमेटिक में चले जा रहे थे। इस इंशाल्लाह हम लोग आपको अहमदाबाद में दोनों साथ में मिलेंगे इंशाल्लाह भाई, तुम लोग दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, मैं हर बार कहूँगा, क्योंकि दुआ करेंगे। देखो, सबसे बड़ा हथियार, हर इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसके पास ये है कि अल्लाह से दुआ, तुम अल्लाह से मांगो, बेशक अल्लाह तुम्हें देगा, और ज़रूर ज़रूर देगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, बस तुम अल्लाह से मांगो, बहुत ही अजीम ताकत है वो रहीम है, गफ्फार है, करीम है, बेशक सत्तार है, मैं और क्या क्या बोलूँ। तो गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करें, तो माजरत चाहता हूँ, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, बट कुछ अहम बातें थी जो आप तक पहुँचानी थी कि हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया, बस इतना ही कहना था, हमारा मौकिफ यही था और दूसरा कुछ नहीं, हमारी ऑडियंस से यही मुखातिब करते हम कि हमने नाम चेंज कर दिया। अब आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइए, और आप लोगों की भी राय दिया करिए, और हम लोग जो भी ब्लॉग बनाते हैं तो आप लोग हमें जो भी हमारी छोटी से छोटी मिस्टेक हो तो आप लोग ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि छोटी से छोटी मिस्टेक से हम हमारे अपने अंदर जो भी है हम सुधारने की कोशिश करेंगे, छोटी मोटी गलतियाँ हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को अच्छे से अच्छा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।